पर सिमटने के लिए बिखरना जरूरी है, तो बिखरने की इजाजत चाहूंगा। गजल के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन एक किस्म है कविता की, शायरी की। गजल में लिखना पसंद करता हूँ, तो एक गजल पेश करूँगा। मक्ता कुछ इस तरह से है। और इससे पहले कि मैं गजल शुरू करूँ, एक गुजारिश है आप सबसे। गजल बाकी कविताओं से अलग इसलिए है क्योंकि शायर को एक थोड़ी दाद चाहिए होती है हर मिसरे के साथ, चाहे समझ ना आए फिर भी। तो हर मिसरे के बाद एक पता लगना चाहिए कि हजरत ने मिसरा उठाया है, एक पंक्ति उठाई है, ताकि अगले मिसरा फिर शायर उठाए और दाद वाह वाह से शायर की इतनी हिम्मत बढ़ जानी चाहिए कि यहाँ से वो ऊपर पेड़ पर कहीं बैठा मिले। तो शुरू करता हूँ। कौम अलग हो तो गले से लगाया नहीं करते, कौम अलग हो तो गले से लगाया नहीं करते, ऐसी नफरत तो मजहब सिखाया नहीं करते। कौम अलग हो तो गले से लगाया नहीं करते, ऐसी नफरत तो मजहब सिखाया नहीं करते। जिस बात से हो राजा के राज्य को खतरा, जिस बात से हो राजा के राज्य को खतरा, ऐसे मुद्दे को प्रजा में उठाया नहीं करते, ऐसे मुद्दे को प्रजा में उठाया नहीं करते। किस बात से है चुप क्या बताएं तुमको, किस बात से है चुप क्या बताएं तुमको, पंछी जो चोट खाएं तो गाया नहीं करते, पंछी जो चोट खाएं तो गाया नहीं करते। और हरा रंग तिरंगे में सदा था रहेगा, देशभक्ति की बहुत बात की हमारे दूसरे भाई ने, हरा रंग तिरंगे में सदा था रहेगा, रंगों को लकीरों से सजाया नहीं करते। जला दो बदन मेरा या दफन करो मुझे, जला दो बदन मेरा या दफन करो मुझे, मर जाए जो उसे सताया नहीं करते। जला दो बदन मेरा या दफन करो मुझे, मर जाए जो उसे सताया नहीं करते। और मक्ता पेश करूंगा गजल का। वक्त शाम है मत रोक मुझे पीने से अदब, अदब मेरा तखल्लुस है, पेन नेम। वक्त शाम है मत रोक मुझे पीने से अदब, दिन ढले तो पेड़ों को जगाया नहीं करते, दिन ढले तो पेड़ों को जगाया नहीं करते। वासु से मेरी एक शिकायत है, मेरी शिकायत है वासु से, एक शिकवा शिकायत जो मर्जी कह लीजिए। वासु सर बार बार थोड़ा और सेंटी हो जाएं, और सेंटी हो जाएं। मुझे लगा चलो कोई इश्क मोहब्बत की कविता या गजल बाहर आएगी, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नो द वर्ड सेंटी फॉर। तो दिल तोड़ा है वासु ने मेरा, पर चलो असल मायने में अब सेंटी हुआ जाए थोड़ा सा। पास रहकर थे दूर तो किया गिला भी नहीं, पास रहकर भी कई बार दूरियां बढ़ जाती हैं। पास रहकर थे दूर तो किया गिला भी नहीं, अगर फासलों में है कुर्बत तो शिकवा भी नहीं। फासले कुर्बत मतलब नजदीकियां, पास रहकर थे दूर तो किया गिला भी नहीं, अगर फासलों में है कुर्बत तो शिकवा भी नहीं, अगर फासलों में है कुर्बत तो शिकवा भी नहीं। है जिंदा अब भी दिलों के मरासिम, लेकिन मरासिम संबंध है जिंदा अब भी दिलों के मरासिम, लेकिन अपना जो था कभी अपना भी नहीं। बहक कर शराब कुछ कह रही है गौर कर, बहक कर शराब कुछ कह रही है गौर कर, सोफी मैं नहीं पर नशा भी नहीं। बहक कर शराब कुछ कह रही है गौर कर, सोफी मैं नहीं पर नशा भी नहीं। और आपकी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। कहा जाता है कि आशिक गम में या तो रोने का सहारा लेता है या शराब का, तो तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि देखिए कैसे आशिक ना रोने का सहारा लेता है और ना ही जाम का, और वजह क्या है उसके पीछे वो शेर खुद बयां करेगा। अश को जाम से यूं तो सुकून मिल जाए, पहला शेर था। सोफी मैं नहीं पर नशा भी नहीं, अश को जाम से यूं तो सुकून मिल जाए, पर जख्म जो नहीं तो फिर दवा भी नहीं, पर जख्म जो नहीं तो फिर दवा भी नहीं। लो करता हूं खत्म मैं मोहब्बत भी गजल भी, लो करता हूं खत्म मैं मोहब्बत भी गजल भी, किस्सा अगर नहीं कोई तो जिक्रा भी नहीं।
मोहब्बत खत्म हो चुकी है, पर लोगों का मानना है कि मोहब्बत सिर्फ एक बार मुमकिन है जिंदगी में, जो कि जिस बात से मैं वास्ता नहीं रखता। मोहब्बत मुमकिन है बार बार, शर्त बस इतनी है कि दूसरी तीसरी मोहब्बत को एक बात साफ साफ बता देनी चाहिए कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत ही खूबसूरत नज्म है फैज़ अहमद फैज़ की, हालांकि बहुत उर्दू लफ्ज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए सुनाना चाहूँगा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और तू मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था फकत मैंने चाहा कि यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमानत लिस्म, रेशमो अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई जलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। एक और गजल पेश करना चाहूंगा, आज सुबह ही लिखी थी, तो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी पुरानी गजलें शायद सुनी हों पहले भी, उनके लिए कुछ नया होगा। इश्क में सुकून की बात करते हो, तो थोड़ा और सेंटी हो जाए। इश्क में सुकून की बात करते हैं आप, इश्क में सुकून की बात करते हैं आप, इश्क में मिसरा उठाइए यार, इश्क में सुकून की बात करते हैं आप, ये क्या अजीब बात करते हैं आप, इश्क में सुकून की बात करते हैं आप, ये क्या अजीब बात करते हैं आप। कहता हूं दिल की तो कहते हैं अपना दिल बयां करता हूं, तो वो क्या जवाब देते हैं वो गौर करने लायक है, गौर फरमाइएगा। कहता हूं दिल की तो वो कहते हैं, सुनिए बेवजह बहुत बात करते हैं आप, क्या बात है, क्या बात, इश्क में सुकून की बात करते हैं आप, बहुत बढ़िया, ये क्या अजीब बात करते हैं आप। कहता हूं दिल की तो कहते हैं, सुनिए बेवजह बहुत बात करते हैं आप, हजारों इल्जामात हैं कत्ल के उस पर, हजारों इल्जामात हैं कत्ल के उस पर, कौन से खुदा की बात करते हैं आप, क्या बात, हजारों इल्जामात हैं कत्ल के उस पर, कौन से खुदा की बात करते हैं आप। किया धरा कुछ नहीं उम्र भर अदब, किया धरा कुछ नहीं उम्र भर अदब, बात बड़ी बात बस बात करते हैं, क्या बात, शायर मुझे पता नहीं क्यों लिखते हैं, लेकिन मैं क्यों लिखता हूँ, एक छोटी सी कविता के जरिए बयां करने की कोशिश की है, बहुत छोटी सी कविता है, उसके बाद बस अगले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, नॉट कैंडिडेट। तो मारता हूँ शीशे में टक्कर, एवरी टाइम आई राइट अ वर्ड आई फील लाइक दिस एंड आई से इट लिटरली, मारता हूँ शीशे में टक्कर एक कबूतर की तरह, बाहर किसे जाना है, बहुत बढ़िया, मारता हूं शीशे में टक्कर एक कबूतर की तरह, बाहर किसे जाना है, बस एक बार शीशों का गुरूर तोड़कर कैद में जीना चाहता हूं। शुक्रिया।